मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो आपका टॉपिक चल रहा था वो आगमन निगमन विधि चल रहा था। उदाहरणों के माध्यम से बच्चों का निरीक्षण करना आगमन विधि कहलाता है और सामान्य से विशिष्टता की ओर चलना क्या कहलाता है, निगमन विधि किया जाता है, जिसमें बच्चों से सामान्य नियमों की तरफ लेकर आते हैं, सामान्य नियमों से बच्चों को विशिष्टता की ओर लेकर आते हैं, उसकी भविष्यवाणी उसका निरीक्षण करते हैं, उसे निगमन विधि कहते हैं। अब बेसिकली आगमन और निगमन विधि में किस प्रकार से अंतर है वो ये है। आगमन विधि निगमन विधि पहला नंबर, पहला आता है आगमन विधि के अंदर इंट्रोडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडिडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। नंबर वन, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। और निगमन एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। सेकंड नंबर आता है विधि छात्र केंद्रित होती है। यह है शिक्षक केंद्रित होती है। नेक्स्ट है विधि छात्रों को सक्रिय बनाती है। इस प्रक्रिया से छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। नेक्स्ट है इस विधि द्वारा छात्र मनन चिंतन के लिए अवसर प्राप्त करते हैं। इस विधि में छात्रों को मनन चिंतन एवं तर्क के लिए अवसर
प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इसमें विशिष्ट से सामान्य की और खास होते लागू होता है। इसमें सामान्य नियमों का किया जाता है। देखो पहला नंबर है आगमन एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है क्योंकि इसमें विशिष्टता की ओर बढ़ते हैं क्योंकि इसमें तर्क और वितर्क का सारा लिया जाता है तो ये एक साइकोलॉजिस्ट विधि कहलाती है। निगमन विधि के अंदर कुछ भी नहीं किया जाता क्योंकि ये सामान्य की ओर जाती है। नॉर्मली जो बच्चों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो हम बेसिकली क्या करते हैं बच्चों को नॉलेज गेन करवाते हैं। यह विधि छात्र केंद्रित होती है क्योंकि इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित नवीन ज्ञान की ओर देखे आया जाता है तो बच्चे उसके अंदर जो स्पेशली जो एक तरह से जो नियम उन्होंने सीखे जो नियमों का प्रतिपादन किया है उसके भी हाफ पर ही हम क्या करते हैं बच्चों को उदाहरणों के आधार पर उसके उदाहरणों के आधार पर निरीक्षण करते हैं। इसलिए पूरी की पूरी जो है वो छात्र केंद्रित विधि होती है। बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है उस रिगार्डिंग तो हम क्या करते हैं ये विधि क्या मानी जाती है शिक्षक केंद्रित मानी जाती है। तो स्टार्टिंग से ही इसमें क्या किया जाता है जो अध्यापक होता है वो बच्चों को इजी गोइंग से मतलब सामान्य से जटिलता या विशिष्टता की ओर लेके जाता है। इसलिए विधि किसके अकॉर्डिंग होती है शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें सिर्फ छात्र एक क्या करते हैं छात्र सिर्फ मौखिक रूप से क्या करते हैं अभिग्रहण करते हैं। यह विधि छात्रों को सक्रिय बनाती है क्योंकि सारा का सारा काम किसके माध्यम से होता है छात्रों के माध्यम से ही होता है क्योंकि हम इसके अंदर उदाहरणों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उदाहरणों का कोई समस्या का समाधान विद्यार्थी स्वयं उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। ये छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं क्योंकि क्या है सारा का सारा किसके विभाग पर होती है शिक्षक केंद्रित होती है। इस विधि द्वारा छात्र मनन चिंतन और तर्क के लिए अवसर प्राप्त करते क्यों करते हैं क्योंकि उन्हें जो नियम उनके पास ऑलरेडी है उसमें से क्या करते हैं एक तरह से विशिष्टता जो विशिष्ट वस्तु विशिष्ट जो एक विषय वस्तु है उसकी और खींचकर निकाला जाता है। उदाहरणों के आधार पर हम क्या करते हैं उसकी भविष्यवाणी करते हैं उसका निरीक्षण करते हैं। इसलिए ये विधि छात्रों के चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करती है। इसके विपरीत ये विधि छात्रों को मनन और चिंतन और तर्क करने के अवसर प्राप्त नहीं करती क्योंकि ये सारी बेस किसमें होती है टीचर्स सेंट्रलाइज्ड होती है। फिर आता है इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं इसमें सामान्य नियमों का विशिष्टीकरण करते हैं वो मैंने आपको हर उसके अंदर समझाया है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रतिपादित होते हैं। इसमें सामान्य नियमों का विशिष्टीकरण बालक
हैं। समय एवं शक्ति, कम व्यय होती है। यह विधि अल्प आयु देखो, इसमें सामान्य नियम प्रतिपादित होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वित्तीय लेखांकन सभी नियमों का ये क्या करता है, सभी नियमों का प्रतिपादन करता है। और इसमें सामान्य नियमों का विशिष्टीकरण किया जाता है, क्योंकि हमारे पास उसके बिहाफ पर कुछ मैटर नहीं होता, कुछ नियम हमारे नहीं होते। तो जो नियम होते हैं, नियमों के अंदर कौन सी बातें एक तरह से फैक्ट्स है, उस चीज को विश्वसनीयता और वैधता को क्या करता है, घोषित करता है, निकाल के वहां लाता है। बालक ज्ञानी को स्वयं करते हैं, क्योंकि छात्र केंद्रित विधि होती है और खोजे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग इस विधि के अकॉर्डिंग होता है। इस विधि में अधिक व्यय इसलिए होता है क्योंकि ये विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, और समय शक्ति कम व्यय इसलिए होती है क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो ये देखा जाता है, ये विधि उदाहरणों के माध्यम से की जाती है और इसके अंदर विशिष्टीकरण किया जाता है। कोई भी समस्या हमारे सामने होती है तो उसका विशिष्टीकरण करते हुए सामान्य नियमों की तरफ लेके आते हैं, और उसमें के अंदर जब हम सामान्य नियम होते हैं तो हम एक उदाहरणों के माध्यम से इसके अंदर उस चीज को, कंटेंट को पूरा किया जाता है। ये आपकी कहते हैं आगमन और निगमन विधि के में अंतर था, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, तो आप इसको एक अच्छे से पढ़ के जाना। आगमन एवं निगमन विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, आगमन और निगमन विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। घर पर ये सुरक्षित रहिए। थैंक यू।